नमस्कार, मैं अनुराग। इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे साहब। अतुल जी जो हैं वो स्वदेश समूह के समूह संपादक भी हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति एकदम इस समय स्थिर सी नज़र आ रही है, कोई हलचल नहीं है। सरकार बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा बहुमत मिला है, लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीत सकें। अब क्या है आगे मध्य प्रदेश की राजनीति? अनुराग जी, आपने कहा कि एकदम स्थिर लग रही है। मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में निश्चित रूप से जो प्रदेश की जन आकांक्षाएं हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रदेश की जनता ने असीमित अपार बहुमत दिया है तो उसको लेकर जन आकांक्षाएं बहुत हैं। और सबसे अच्छी बात, प्रथम 3-4 महीनों का जो अपन आकलन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व भी उसके लिए संवेदनशील है और संगठन भी यह मानता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो एक वातावरण था कि शायद मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी नहीं होगी, लेकिन प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। लोकसभा में भी 29 में से 29, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप स्थिर कह रहे हैं, लेकिन सतही तौर पर स्थिर होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार और संगठन दोनों ही अपनी जवाबदेही के प्रति सचेत होंगे ऐसा मानना चाहिए, और प्रदेश की जनता भी उनको बहुत करीब से परख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव आया कि एक जो बड़ा चेहरा हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश की राजनीति से विदा हो गए। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा निर्णय था और यही भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूँ, एक खूबसूरती है। जब मध्य प्रदेश में से शिवराज सिंह जी अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया, तब ये माना जा रहा था कि निश्चित रूप से शिवराज जी के जो पिछले 18 वर्ष मध्य प्रदेश सरकार में जो उनका गवर्नेंस था उसके कारण प्रदेश की जनता में उनका एक आकर्षण था और आज भी है। और उन्होंने जो फैसले लिए, खासकर जो सामाजिक सरोकार के, बहनों के प्रति, महिलाओं के प्रति, तो लोगों को लगता था कि जो एक संवेदनशील चेहरा है, हमारे अपने बीच का चेहरा है, अगर वो मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर कहीं जाता है या नेपथ्य में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी असहज होगी, सरकार को प्रदर्शन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने हर बार दिखाया है कि जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो शुरू में सब लोगों ने आकलन लगाया कि मोहन यादव जी शायद वो करिश्मा नहीं कर पाएंगे और उनके लिए चुनौती दोहरी थी, यद्यपि वे उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। और मुझे लगता है इस चुनौती तो सतत रहेगी उनके साथ, हमेशा रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगी, उनकी हमेशा तुलना शिवराज जी से होगी, हमेशा तुलना शिवराज जी से होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तुलना होना स्वाभाविक है राजनीति में और हर क्षेत्र में होती, लेकिन शिवराज जी का जो कोर है और डॉक्टर मोहन यादव का जो कोर है, दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग है। शिवराज जी, जैसे कि मैंने कहा कि एक संवेदनशील नेतृत्व के धनी थे, डॉक्टर मोहन यादव में भी संवेदनशीलता नहीं है ये कहना तो एकदम गलत ही होगा, लेकिन वो बहुत तेजी से निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे और एक सख्त प्रशासक के रूप में, और मुझे लगता है कि खासकर करप्शन को लेकर शुरू में मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भी कई गंभीर प्रश्न उठे, लेकिन उन प्रश्नों को भी सरकार ने एड्रेस किया है, ये ध्यान में आता है। ठीक इसी तरह से एक छोटा सा उदाहरण, शाजापुर कलेक्टर, यानी नाम लेना बहुत आवश्यक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगा कि एक असंवेदनशील उन्होंने व्यवहार किया अपने मातहत के प्रति, तो मध्य प्रदेश सरकार तुरंत निर्णय लेती है। शाजापुर या ताजा मामला सागर का हो तो ये जो त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई है। और एक सवाल ऐसे में और अतुल जी, बड़ा लाजमी है कि जब तुलना की बात आपने की जब भी तुलना होगी मोहन यादव की तो शिवराज सिंह चौहान साहब से होगी, डॉक्टर मोहन यादव क्या कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब क्या करते थे, ये एक सामान्य, एक पत्रकार के नाते आप दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं, दोनों ही राष्ट्रीय वैचारिक पृष्ठभूमि है, वैचारिक पृष्ठभूमि दोनों की एक है, लेकिन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग दोनों का बहुत डिफरेंट रहने वाला है।
जहां मैंने बार बार कहा कि शिवराज जी के निर्णय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में, जो मध्य प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी सरकार कही गई और उसके चलते जो एक स्पर्श की राजनीति जिसको अपन कहते हैं, स्पर्श की राजनीति, उसमें शिवराज जी ने एक लंबी रेखा खींची। लेकिन वहीं पर यह भी आवाज उस समय भी बार बार कहीं ना कहीं आती थी, ये स्वर उठते थे कि प्रशासन को जितना सख्त होना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी का जो अपना एक कोर है कि बहुत एक सहज सरल मुख्यमंत्री वो माने गए, तो नौकरशाही को लेकर, अन्य विषयों को लेकर तुरंत निर्णय चाहिए, सख्त प्रशासन चाहिए, ये भी अपेक्षा मध्य प्रदेश में उस समय होती थी। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव उसमें एक बेटर परफॉर्म करने में सफल होंगे। और लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये तुलनाएं हमेशा होती हैं, हर काल में होती हैं। लोग तो राम और कृष्ण की भी तुलना करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक काल होता है, हर व्यक्ति का अपना समय होता है और हर काल की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में वो क्या निर्णय लेते हैं, तो शुरू में देखा गया, अतुल जी मैं बीच में टुक रहा हूँ आपको, कि मोहन यादव जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान साहब की जो योजनाएं थी उनको पलट रहे हैं, उनकी प्लानिंग को। सबसे पहले मध्य प्रदेश गान वाली बात आई कि शासकीय आयोजनों में मध्य प्रदेश गान होता था, आज वो गायब हो गया है। उसके बाद शिवराज जी का बड़ा कहना था कि जो कॉलोनी अवैध बन गई है, वहाँ रहने वालों का क्या कसूर है, तो उनको वैध कर दिया जाए। उन्होंने वैध करने की प्रक्रिया शुरू की, मोहन जी ने आके उसको पलट दिया। तो ये कहीं एक विरोधाभास पैदा नहीं करता? नहीं, अब जहाँ तक मध्य प्रदेश गान को लेकर प्रश्न है, मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि आपने दो बातें कही, कॉलोनियों को लेकर एक तो बात कही और दूसरा क्या कहा, यही मध्य प्रदेश गान, इसको बंद, लगभग बंद हो गया आप सब जगह, मध्य प्रदेश गान और दूसरा अवैध कॉलोनी। अवैध कॉलोनियों को लेकर भी जैसे मैंने कहा ना कि ये बात लोगों का कसूर नहीं है, ये कहना अपनी जगह सही है, लेकिन इसके चलते कितना बड़ा एक जो रैकेट फल फूल रहा था उस पर नकेल डालना तो आवश्यक था, और मुझे लगता है कि वो फैसला प्रदेश की जनता के हित में है और वो करना चाहिए, उन्होंने अच्छा किया। अभी चूंकि आपका संघ से भी जुड़ाव है, आप पत्रकार भी हैं, आप विचार भी करते हैं चीज़ों को लेके, तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है मोहन यादव सरकार के लिए और क्या सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने? मुझे लगता है कि सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जन आकांक्षाएं बहुत हैं और वित्तीय संसाधनों की अपनी एक सीमाएं हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जो आर्थिक संसाधन है वो उसको रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं, सरकार का जो खजाना है उसको किस प्रकार भरते हैं, क्योंकि जो सारी योजनाएं हैं, और ये दोहरी चुनौती होती है कि जब भी आप सरकार के खजाने की बात भरने की बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो टैक्सेशन का भी विषय आता है, तो एक तरफ जनता की उन चिंताओं को भी एड्रेस करना है और साथ ही जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो धन की आवश्यकता है उसको भी जुटाना है। एक दूसरा, नौकरशाही में अभी भी एक जड़ता तो है, नौकरशाही में एक जड़ता है और उनके साथ समन्वय बिठाकर उनको परफॉर्म करने के लिए बाध्य करना, और हमेशा नौकरशाही को ये लगना चाहिए कि सिर्फ मोहन यादव जी नहीं, मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं वो ब्यूरोक्रेट से बेहतर समझ रखते हैं। मैं बेहतर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी आईएएस या आईपीएस या नौकरशाही की आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उनके पास क्योंकि एक लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है और एक अद्भुत मेधा शक्ति भी होती है, और कई बार ये ध्यान में आता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास योजनाओं को लेकर, सरकारी नियमों को लेकर जो अध्ययन की आवश्यकता होती है, उस गंभीर अध्ययन में वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं कहीं कहीं, ये इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चूक कर जाते हैं। अतुल जी जो कह रहे हैं उससे लगता है कि थोड़ा सा नौकरशाही पे नकेल कसने की जरूरत है और मंत्रियों को अध्ययन करना पड़ेगा इस सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए। इस बातचीत के दौर को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे साहब से हमारी चर्चा चली। अतुल जी, मोहन यादव कितने शिवराज सिंह से अलग हैं? मोहन यादव एकदम तुरंत निर्णय करते हैं, आपने ये चीज़ समझी। हम उनके सामने चुनौतियों की बातें भी कर रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो जन आकांक्षाएँ बहुत भारी हैं। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के एक नेता हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, पहला पटेल, राजेंद्र शुक्ला, ऐसे कई सारे नाम हैं जो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। निश्चित बहुत लंबा अनुभव है उनके पास। आपने जिनके नाम लिए, प्रहलाद जी, कैलाश जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और मेरी बात हुई थी यादव जी से। और अनुराग जी, मैं आपको बात बताऊं कि बात तो ऑफिशियल एक इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन बाद में भी उन्होंने कहा, जब अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो मैंने भी उनसे यही प्रश्न किया कि आपको असहजता नहीं हुई, तो जो इंटरव्यू का जवाब रहता है हम भी सब जानते हैं कि उन्होंने वही दिया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्होंने वही कहा जो ऑन कैमरा या ऑन द रिकॉर्ड वो कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि बहुत वरिष्ठ लोग होंगे तो काम में असहजता आएगी, पर मैं इसे अपने लिए एक अवसर मान रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अतुल जी, मुझे कोई दिक्कत आएगी नहीं और आ भी नहीं रही। कई बार बहुत से विषयों पर जब मैं छोटा बनकर भी अपना अनुभव उनसे कोई शेयर करता हूँ या कोई प्रश्न उनके सामने रखता हूँ, तो मुझे ठीक ठीक उत्तर और ठीक ठीक समाधान मिलता है। तो मेरे लिए तो ये अच्छा है कि मेरे पास इतने वरिष्ठ मंत्री हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि जो वो एक ऑफिशियल इंटरव्यू स्वदेश को दे रहे थे, बाद में अनौपचारिक चर्चा में चाय पर भी उन्होंने इस बात को कहा। ये उन्होंने कहा, ये उनकी साफ गोई है कि वो एक साथ बोलते हैं दोनों जगह। लेकिन उसके बावजूद राजनीति में राजनीति करने आए जो भी लोग हैं, चाहे वो संत नहीं है, उनकी भी इच्छाएं होंगी, उनकी भी मन में होगा कि कभी मुख्यमंत्री बने। नहीं, तो बात बिल्कुल सही है कि चुनौतियां तो हैं ही। अपन भोपाल की बात करें अनुराग जी, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि भोपाल में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर जो कैलाश जी और मुख्यमंत्री दोनों के बीच जो एक अलग अलग धारा दिखी, और मोहन यादव जी ने जो एक फैसला लिया जो पेड़ों को काटने को लेकर सारा शिवाजी नगर, और वो निश्चित रूप से कैलाश जी उससे असहज भी हुए होंगे। और यह मानना कोई गलत भी नहीं है जो राजनीति में है, चाहे वो प्रहलाद जी हों, चाहे कैलाश जी हों, या कोई भी हो, मुख्यमंत्री और अपनी भविष्य की राजनीति के लिए ये सपने अगर देख भी रहे हैं तो उसमें कोई महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समय समय पर इसको लेकर संवेदनशील होगा, और राजनीति में ये चुनौतियां का सामना करने के लिए तो यादव जी को भी तैयार होना चाहिए, और उनको लगना ही चाहिए कि हाँ, ऐसी दूसरी लाइन क्या बल्कि पहली लाइन ऐसी। कई बार अपन कहते हैं कि सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तैयार करनी चाहिए, लेकिन मोहन यादव के पास तो उनसे भी पहले की एक लाइन उनके पास है, खुद सेकंड लाइन में, वो खुद सेकंड लाइन में है। तो उनके लिए ये चुनौती, उस चुनौती के लिए उनको निश्चित रूप से एक लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी। और ये जो तीनों जिनके नाम लिए, अगर उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, और वो अगर ऐसा सोचते हैं कि भविष्य में उनके लिए भी कोई अवसर खुले होंगे तो राजनीति तो संभावना खेले उनके प्रति। मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति की बातचीत चल रही है, एक किरदार और है जिन्होंने दोनों चुनाव में एड़ी चोटी एक की अपनी, उनका नाम है विष्णुदत्त शर्मा जी। और ये मान के चला जा रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे या वो भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ऐसा संगठन ने कोई फैसला उनके लिए नहीं किया। अभी देखिए, विष्णुदत्त शर्मा जी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, और खासकर जो बूथ मैनेजमेंट को लेकर मेरी उनसे भी कई बार बातचीत, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, और उन्होंने मुझे बताया कि अतुल जी, इसी समय आप ग्वालियर, क्योंकि मैं ग्वालियर से जुड़ा हूँ, तो ग्वालियर में आपने कहा, ग्वालियर में जुड़े हैं, ग्वालियर आपकी कौन सी विधानसभा है? उन्होंने कहा दक्षिण विधानसभा में आपका वार्ड कौन सा है? मैंने कहा ये वार्ड है, तो उसी वार्ड में आपका बूथ क्रमांक कौन सा है? अब निश्चित रूप से मुझे तब बूथ क्रमांक याद तो नहीं था, तो खैर थोड़ा सा मालूम करके जब मैंने उनको बताया कि ये बूथ क्रमांक है, और फिर उस बूथ क्रमांक पे उन्होंने कहा, मैं देखो अभी इससे बात करता हूं। ये विद इन 5 मिनट्स उन्होंने उसको एग्जीक्यूट करके बताया। उनको तो नहीं पता था, ये तो मालूम था उनको मैं ग्वालियर से हूं, पर मेरी विधानसभा कौन सी है,
ये उनको नहीं मालूम था, बूथ का तो प्रश्न ही नहीं उठता जब मुझे ही ध्यान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश के किसी भी जगह पे हम 5 मिनट के अंदर उस बूथ प्रभारी से बात करने की स्थिति, वहां की स्थिति बता सकते, बता सकते। तो ये कौशल तो उन्होंने दिखाया। मुझे लगता है कि ये कौशल था, यही कांग्रेस की बर्बादी का कारण बना चुनाव में। कांग्रेस की बर्बादी के तो अनुराग जी कई कारण, कांग्रेस की बर्बादी के तो कई कारण हैं, और दुख होता है कि इतनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जिसका अपना एक इतिहास है, लगातार एक के बाद एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है। हालांकि 2024 के जो चुनाव हैं उसमें उनको सफलता मिली, लेकिन वो सफलता में ये मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं असफलता थी, कमियां थी उसका लाभ उनको, उसका लाभ उनको, लेकिन उन्हीं कमियों का लाभ मध्य प्रदेश में नहीं मिला। यहाँ संगठन मजबूत था ना, मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, स्वर्गीय कुशाभा ठाकरे जी, नारायण कृष्ण शिजवलकर जी, माधव शंकर, इंदापुरकर जी, लखीराम अग्रवाल जी, कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल पटवा जी, और एक से ऐसी एक लंबी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी के पास जो नीचे तक, यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अद्भुत है। लोग गुजरात को भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला तो मध्य प्रदेश है, इसमें राजमाता साहब का समर्पण, मुझे लगता है कि भाजपा का जो थॉट ऑफ स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल, वो भी मध्य प्रदेश है और प्रयोगशाला भी मध्य प्रदेश है। और मेरा इस बीच स्वदेश के नाते कई प्रांतों में भी जाना होता है, और वहां पर भी सरकारें जहाँ है वहां भी, जहाँ सरकारें नहीं है वहां भी, मैं देखता हूं कि वास्तव में यहाँ का जो संगठन है, यहाँ जब हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो कई बार संगठन और भारतीय जनता पार्टी में भी जो वैचारिक स्खलन, भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताओं की जो शिकायतें आती हैं, तो मन को पीड़ा होती है कि एक इतनी बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी आज सरकार में आने के बाद उसमें भी मूल्यों का स्खलन तो है। लेकिन जब मैं दूसरे प्रांतों में जाता हूं, तो लगता है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है। आपने एक बात और की, दूसरे प्रांत कांग्रेस की बातचीत हुई, यहाँ जो कांग्रेस से लोग आ गए वो भाजपा के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, बनेंगे निश्चित रूप से बनेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो आपने कहा ना, वो संगठन के लिए भी चुनौती है और सरकार के लिए भी, मोहन यादव के लिए भी चुनौती है। अब वो भारतीय जनता पार्टी ने जिन भी राजनीतिक परिस्थितियों के चलते ये निर्णय लिए हैं और उसका उन्हें तात्कालिक रूप से लाभ भी मिला है, और जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं निश्चित रूप से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर आए हैं, इसलिए कोई बात छिपी हुई नहीं है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना कैडर बचाते रखते हुए, लेकिन अब देखिए, अब वो आ तो गए हैं, इसलिए बार बार उनको भी कांग्रेसी कहकर अगर भारतीय जनता पार्टी का कैडर उनको डाइजेस्ट नहीं करेगा तो ये उनके साथ भी अन्याय होगा। परस्पर विश्वास, परस्पर समन्वय, आपको लगता है किसी प्रबोधन की अब जरूरत है वहां जो कांग्रेस से आए, भाई यहाँ की जो संस्कार है वो अलग है और कांग्रेस की जो संस्कार है वो अलग है, तो कहीं आवश्यकता लगती है कि बीजेपी के संस्कार देने के लिए किसी प्रबोधन की, किसी ट्रेनिंग की उनको आवश्यकता है? ये भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ एक सतत प्रक्रिया तो है, उनके यहाँ चिंतन प्रबोधन ये सब चलते ही रहते हैं। पर अब मैंने कहा ना कि देखिए, राजनीति कोई समाज सेवा का माध्यम कही जाती है, पर वस्तुतः भारतीय राजनीति जिस दौर में प्रवेश कर चुकी है वो कोई समाज सेवा का बहुत आदर्श उदाहरण तो नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर आए हुए हैं, यह है कठोर सच है। और इस यथार्थ को समझते हुए दोनों ही पर, क्योंकि मैं कई ऐसे नेताओं का कह सकता हूं कि उन्होंने भी प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के साथ समरस होने का, पर भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऊपरी लेयर पर कोई निर्णय हो जाए लेकिन वो नीचे तक अगर वो नीचे तो देखें, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि कांग्रेस से जो लोग आए, जब नीचे हम देखते हैं तो दो फाड़ नजर आते हैं अभी भी। अब मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा प्रयोग हुआ जिसके कारण शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और सिंधिया जी नहीं आए, उनके साथ तमाम लोग आए, विधायक 22 एक साथ आए, ये एक छोटा मोटा निर्णय नहीं था कि सिंधिया जी के कहने पर उन्होंने अपनी विधायकी भी छोड़ी
और उनमें से कई विधायक बन भी नहीं पाए, पूर्व विधायक ही हो गए, तो वो कोई छोटा मोटा निर्णय तो नहीं था। अब वो, लेकिन आज भी ग्वालियर चंबल संभाग में या कहीं कहीं इंदौर में भी आसपास जहाँ जहाँ ये लोग हैं तो समन्वय की कमी दिखती है, कमी तो दिखती है। और ये दोनों तरफ से, मैं इसमें सिर्फ ये कहूँ कि वो कांग्रेस से आए इसलिए सारा दोष उनका ही है, भाई कांग्रेस से आए हैं तो ये वो छिपा के तो आए नहीं थे, सबको मालूम था कि वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वहाँ काम करते हैं, लंबे समय से उनका कांग्रेस के लोगों से संपर्क है, तो बार बार उनको भी कांग्रेस ही कह के अपमानित करने का भी कोई अब अर्थ नहीं बचा, क्योंकि अब नेतृत्व निर्णय ले चुका है। तो नेतृत्व ने जिन भी कारणों से, निश्चित रूप से उसमें एक बड़ा कारण तो राजनीति की है, और ये आवश्यक नेतृत्व ने समझा होगा, तो अब वो नीचे तक लोगों को समझाना और स्वयं बड़े नेताओं को भी, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी ये अपनी एक विशाल दृष्टि रखने की आवश्यकता है कि अब अगर मैं सिंधिया समर्थक नहीं हूं, और सिंधिया जी भी सिर्फ सिंधिया समर्थकों के नेता नहीं है, सिंधिया जी भी संपूर्ण भारतीय जनता। लेकिन देखने में ये आता है कि जब सिंधिया जी भोपाल आते हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी जाते हैं, तो 4-6 उनके मंत्री उनके साथ होते हैं, बाकी लोग नहीं होते, है ना। भाजपा में ऐसा नहीं देखा जाता कि अगर कैलाश विजयवर्गीय साहब जा रहे हैं तो खाली उनके समर्थकों को, उनके साथ सारे लोग होते हैं, प्रहलाद पटेल जा रहे हैं या मोहन यादव साहब जा रहे हैं, कोई भी जा रहा हो, लेकिन सिंधिया जी के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उनके साथ सिर्फ उनके समर्थक होते हैं, बाकी लोग नहीं होते? या आपने ग्वालियर में भी देखा होगा? ग्वालियर में भी है, ग्वालियर में तो कई बड़े मजेदार मैंने नेम प्लेट देखी है कि सिंधिया समर्थक भाजपा नेता। अब ये सिंधिया समर्थक भाजपा नेता अभी ग्वालियर में कभी या कहीं भी, मैं क्या समझता हूँ कि विदिशा या बुधनी में भी शिवराज सिंह समर्थक भाजपा नेता की पट्टी तो नहीं लगी होगी, भले ही लोग जानते होंगे कि शिवराज जी से अटैच हैं या कैलाश विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं, पर रमेश मेंदला भी ये नहीं लिखते होंगे कि मैं कैलाश विजयवर्गीय का विधायक हूँ या उनका समर्थक से विधायक हूँ। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें एक दिन में ये बात नहीं जाने वाली, कांग्रेस का ये चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक चरित्र है, कि वो संगठन आधारित पार्टी, कांग्रेस का अपना चरित्र है कि वो व्यक्ति आधारित पार्टी, वहां की रचना ही ऐसी है, तो उस रचना को ढलते बदलने में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में समय तो लगेगा, इसलिए भाजपा के लोगों को भी ये उदार मन रखना पड़ेगा कि अगर वो सिंधिया से ही अपने को ज्यादा उनका एक्सेस या उनको सहजता है, मतलब कांग्रेस के लोगों के लिए सलाह है कि आप भाजपा का जो संगठन है उससे जुड़े तो ज्यादा भला होगा, पार्टी का भी और स्वयं का भी उनका। एक बड़ा हमने घोटालों की श्रृंखला मध्य प्रदेश में देखी, व्यापम से देखें बड़ा घोटाला, बहुत सारे छोटे छोटे होते रहते हैं, व्यापम से नरसिंह घोटाले तक, तो क्या ये चुनौती नहीं है, करप्शन चुनौती नहीं है मोहन यादव के सामने, क्योंकि बड़ा इशू है करप्शन? निश्चित रूप से है, और नरसिंह घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो सिर्फ घोटाला ही नहीं है, घोटाला तो है ही निश्चित रूप से, उसमें चाहे नौकरशाही या राजनीति में जो भी जिम्मेदार तत्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये देश के युवाओं के साथ, देश की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ बहुत एक अक्षम्य अपराध, ये छल है, बहुत छल है। तो चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसमें बिल्कुल श्वेत पत्र जारी करें, और जो जो दोषी, श्वेत पत्र के अलावा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को थोड़ा निर्दयी होना चाहिए इस मामले में? मुझे लगता है हो रहे होंगे, और लेकिन क्योंकि देखिए ऐसे मामलों में शुचिता की बात भाजपा हमेशा करती थी, एक हवाला डायरी आई थी, आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी साहब से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, वो लाभ के पद पे हो या ना हो उससे नहीं है, अब अगर किसी पे आरोप लगता है तो वो दूसरों के पाप गिनाने लग जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पाप तो उनसे कम है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं नरसिंह घोटाले पे ही बात कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से नरसिंह घोटाला हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के समय जो इस विभाग में तत्कालीन नौकरशाही थी वो भी जवाबदेह है, मंत्री पे की भी अपनी जवाबदेही हुई, लेकिन इस मामले को जिस प्रकार कांग्रेस ने लीड किया, मेरा उस पर एक गंभीर प्रश्न है। और मुझे अच्छे से याद है, मैं न्यूज 18 के चैनल पे ऐसे ही लाइव डिबेट में था, तो उन्होंने कहा कि, वो नारा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें कहा कि सारंग तेरी बंसी बजेगी। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी इच्छा नरसिंह घोटाले में दोषियों को सजा दिलाने की है या सारंग तेरी बंसी, खाली टारगेट सारंग है? तो ये नरसिंह घोटाले की
जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ा, मैं बिल्कुल कांग्रेस को इस बात के लिए क्यों रोकूंगा, और मेरे रुकने से वो रुकेंगे भी क्यों, और उन्हें रुकना भी नहीं चाहिए। वो इस ये घोटाला है तो उसको बिल्कुल परिणाम तक ले जाएं और उसकी जांच करें। लेकिन ये अगर सिर्फ एक एजेंडा के आधार पर बढ़ रहा है कि इसमें हमें विश्वास सारंग को कटघरे में खड़ा करना, तो इस पर मुझे लगता है कि फिर ये राजनीति, हमको कई ये नरसिंह घोटाला अचानक ये 4 साल का नहीं है। वास्तव में इसकी गंगोत्री शब्द नॉर्मली प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरे को अभी एकदम तत्काल ध्यान में नहीं आ रहा कि वो जो नाला है खासकर, तो गंगोत्री तो बहुत पावित्र्य का प्रतीक है, तो इस घोटाले के तार अनुराग जी सिर्फ भाजपा के नहीं है, वो विजयालक्ष्मी साधु तक जाएंगे। तो कांग्रेस और भारतीय तो जनता मुझे पार्टी लगता है इसकी मिलकर व्यापक व्यापक जांच व्यापक होनी चाहिए। होना 10 साल 20 साल जब चाहिए। भी हाँ, घोटाला हुआ उसकी जांच हो जांच और हो, जो भी दोषी रहे। जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। पर सिर्फ सारंग को टारगेट करना इसलिए नरसिंह घोटाला है, और व्यापम में इसलिए करना है कि अमुक को हमें टारगेट करना है, तो हम हमारी चिंता घोटाले के दोषियों को नहीं, हमें उसमें राजनीति। और ये राजनीति भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच है आज के दौर में। एक एक पर इस पत्रकार के नाते, एक पत्रकार के नाते आपको कोई सलाह नजर आती है मोहन यादव साहब के लिए, सरकार के लिए? मुझे लगता है कि मोहन यादव जी उस जिस सलाह की आप बात कर रहे हैं कि सुने सबकी और करें मन की, और वो लगभग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको अपने कान आंख खुली रखनी चाहिए और सुझावों को आलोचनाओं को स्वीकार करना चाहिए और मैंने उनको मैंने सुनना मैं आपको चाहिए। रोक रहा हूँ, मैंने भी अनुभव किया कि मोहन यादव जी सुनते सबकी हैं, करते मन की हैं, लेकिन एक कमी अभी भी मुझे नजर आती है कि वो आलोचनाओं का दिल खोल के स्वागत नहीं कर पाते। मैं वही कह, इसलिए मैंने कहा ना कि ये मोहन यादव का दोष नहीं है, ये सत्ता का अपने आप में एक दुर्भाग्य से एक चरित्र बन गया है। और सत्ता के आसपास जो कई बार, जिसको अपन क्या किचन कैबिनेट नाम दे दें, कॉकर्स कह उनके दें, सलाहकार मिनिस्टर्स कहते कह हैं। दें, सलाहकार कह दें, तो राजा अगर सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनने का आदी रहेगा तो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा। राजा को चाहिए कि वो अपनी आलोचनाओं के जितने दरवाजे हैं, जितनी खिड़कियां हैं, उनको खुली रखें। विवेकानंद जी एक बात हमेशा कहते थे कि दूसरों की आलोचनाओं की परवाह मत करो, लेकिन उसे महत्व अवश्य दो। वो कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसकी बात को अगर वो उसमें से फिल्टर करे ना, और उसका अपना कोई एजेंडा है और उसमें कोई गलती है, उसका कोई तथ्यों से परे है, लेकिन इतना एक्सेस अपने आलोचक को देना चाहिए जो अपने कहते हैं कि निंदा निहारे घरे राखी राखी। आंगन टूटी सवार। तो यादव जी ये करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, और करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा उनके है, लिए प्रदेश ज्यादा के लिए अच्छा भी है। अच्छा। अतुल जी आपने स्टूडियो में वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत और आपका भी, नमस्कार अतुल अनुराग जी जी। ने कई सारी चुनौतियों की चर्चा की, और उनका साफ कहना है कि जो स्थिरता दिख रही है वो स्थिरता नहीं है, कुछ कुछ हलचलें चल रही हैं, लेकिन जो कुछ होगा मध्य प्रदेश के हित में होगा, मध्य प्रदेश के लिए अच्छा होगा, और मोहन यादव को अपनी आंखें और कान खोल के काम करते रहना चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।